फंडामेंटल राय लेंगे और कुश आपसे टेक्निकल आउटलुक भी बजाज ऑटो पर जानना, लेकिन उससे पहले बजाज ऑटो के नतीजों से उम्मीदें क्या लगाई जाएं, क्योंकि डोमेस्टिक वॉल्यूम्स की अगर बात करें वहां पर तो ठीक ठाक नंबर्स आने की एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन एक्सपोर्ट से एक कंसर्न या कह सकते हैं कि गिरावट का रुझान देखने को मिल सकता है। हालांकि कई सारी चीज़ें हैं जिसको फैक्टर इन करना होगा, जिस पर नज़र रखनी होगी, और ऑल इन ऑल नंबर्स अगर देखें ऑन पॉजिटिव साइड दिख सकते हैं, लेकिन कौन से ट्रिगर्स हैं, उम्मीदें क्या लगाई जा रही हैं, ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल कारोबार कैसा दिखेगा, जानते हैं सृष्टि से। सृष्टि बताएं बजाज ऑटो के नंबर्स डोमेस्टिकली और साथ ही वर्ल्ड वाइड नंबर्स से, कारोबार से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो देखिए, इस बार बजाज ऑटो के नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर तिमाही दर तिमाही अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछली बार तिमाही का बेस काफ़ी छोटा भी था, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेजेस के दिक्कतों के चलते थोड़ी सी बेस वहाँ पे इम्पैक्ट ज़रूर हुआ था, पर इस बार वॉल्यूम्स भी कैचअप करती हुई दिखी हैं। तिमाही दर तिमाही 23% का वॉल्यूम ग्रोथ हमने देखा है, जो कि डोमेस्टिक वॉल्यूम से सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है, और जैसा कि हम जानते हैं एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स पे प्रेशर था, 21% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन हुआ है वहाँ पे, तो उसके चलते नतीजे जो हैं अच्छी साइड पे रहेंगे, पर इस बार एक्सपोर्ट्स का सहारा हमें नहीं देखने को मिलेगा। अब अगर कंपनी की आय की बात करें तो तिमाही दर तिमाही वहाँ पे 26% की हम ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं, 10,069 करोड़ पे ये आंकड़ा आना चाहिए। वहीं अगर इनके एबिटडा की बात करें तो 1,746 करोड़ हम उम्मीद कर रहे हैं, सीक्वेंशली 35% का ये जम देखने को मिलेगा। मार्जिन्स कंपनी के 16.2% से लेकर इस बार 17.3% पे आते हुए हमें दिख सकते हैं। कंपनी ने प्राइस हाइक्स लिए थे और वॉल्यूम ग्रोथ का भी एक बेनिफिट था, तो उसके चलते मार्जिन्स इंजप ज़रूर होंगे, बट कमोडिटी इन्फ्लेशन के चलते बहुत ज़्यादा सहारा इस बार नहीं मिलेगा, पर Q3 में आप इसका इम्पैक्ट आते हुए ज़रूर देख सकते हैं। आखिरी में मुनाफे के अनुमान हमारा 1500 करोड़ का है, जो कि तिमाही दर तिमाही देखें तो करीब 28% की बढ़त होगी। अगर नतीजों के अलावा अगर बात करें तो वहाँ पे कंपनी की कमेंट्री थ्री व्हीलर सेगमेंट में डिमांड आउटलुक किस तरीके से निकल कर आ रहा है उस पर रहेगी, साथ ही एक्सपोर्ट मार्केट जो कि फिलहाल प्रेशर में दिख रहा है उसको लेकर वो क्या अनुमान लगा रहे हैं, किस तरीके की ग्रोथ रहेगी वहाँ पे, उस पर हमारी नज़र है। जी बिल्कुल सृष्टि, तो घरेलू बाजार हमें अच्छी ग्रोथ दिखी है, जिसके चलते नंबर्स जो हैं पॉजिटिव साइड दिखेंगे, लेकिन अभिषेक इनके ग्लोबल एक्सपोर्ट्स की अगर बात करें, एक की मार्केट जो कि अफ्रीका है बजाज ऑटो के लिए, वहां से एक्सपोर्ट ट्रेंड कैसा है, उस आउटलुक पर नज़र रखनी होगी, थ्री व्हीलर बिजनेस का आउटलुक किस तरह का रहेगा। डिमांड फ्रंट पर डोमेस्टिकली तो हम देख रहे हैं नंबर्स पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन बजाज ऑटो म्यूटेड एक्शन ही दिखाए हैं पिछले 6 महीने से, आपकी राय क्या होगी। तो बजाज ऑटो में हमारा व्यू यही है कि अगर आप एक्सपोर्ट्स का देखेंगे राइट नाउ, एक्सपोर्ट्स में डेफिनेटली चैलेंजेस हैं, स्पेशली अफ्रीका और इजिप्ट में भी बीच में थ्री व्हीलर का जो इशू आया था राइट नाउ, बट अभी तक जो फियर था कि राइट नाउ की बजाज ऑटो का जो बैन हो जाएगी, वो अभी तक तो ऐसा कुछ न्यूज आया नहीं है राइट नाउ। और स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे बीच में अफ्रीका का जो न्यूज आया था कि भाई अफ्रीका में देर विल बी सर्टेन चैलेंजेस भी आएंगे राइट नाउ, देर आर सम चैलेंजेस बट स्टिल राइट नाउ थिंग्स आर गोइंग एट प्लेस। इसके अलावा बजाज ऑटो का वॉल्यूम्स में इनको इम्पैक्ट श्रीलंका में जो बैन हुआ था लास्ट 1.5 साल से, उसमें भी इसका इम्पैक्ट चल रहा है राइट नाउ, और इजिप्ट में भी इन्होंने थ्री व्हीलर बैन जो टुक टुक बैन हुआ था वहां पे, तो उन दोनों का रीजन इनके कारण हुआ है राइट नाउ। बट आगे जाके ऐसा ही उम्मीद है कि अभी तक तो एक्सपोर्ट्स में अगर कुछ और क्लैरिटी आती है राइट नाउ, तो उसके बाद ही यहाँ पे एक्सपोर्ट्स में थोड़ा पिकअप आएगा। डोमेस्टिक में भी आप जो देख रहे हैं वॉल्यूम ग्रोथ और हो सकती है मार्जिन्स में थोड़ा जो आएगा वो Q3 से ही बेनिफिट आएगा राइट नाउ, बिकॉज इसमें अगर आप देखेंगे क्योंकि डोमेस्टिक साइड पे अगर हम जो देख रहे हैं जो प्रोडक्ट मिक्स है वो लार्जली अगर वो ये जो बेचते हैं राइट नाउ उसमें अगर जो मैनेजमेंट का जो क्वार्टरली अपडेट उसमें थ्री व्हीलर सेल्स ज्यादा है और लोअर एंड मोटरसाइकिल प्रोडक्ट मिक्स में ज्यादा है राइट नाउ, तो व्यू यही है कि अगर आपको देखना है राइट नाउ तो बजाज ऑटो डेफिनेटली वैल्यूएशन वाइज थोड़ा नीचे आ चुका है, बट डेफिनेटली इसका रीजन है आगे जाके बजाज ऑटो की कमेंट्री क्या रहेगी मार्जिन पे, बिकॉज ऑटोमोटिव स्टील प्राइसेस अब नीचे आ रहे हैं धीरे धीरे और इनका मार्जिन बेनिफिट इनको Q3 से मिलना चाहिए। जरिया कुश, आपसे हम बजाज ऑटो पर आपकी टेक्निकल पिक जानना चाहेंगे, उसके बाद देवर्ष वकील की तरफ हम बढ़ेंगे जो कि हमें आज के फेस्टिवल पिक बताएंगे। बताएं कुश, बजाज ऑटो टेक्निकली कैसा लग रहा है?
जी देखिए मानसी, यहाँ पे दो तीन पॉइंट्स है। पहला कि स्टॉक ने जो अपने मई में लोस बनाए थे विच इज अराउंड 3450, फिर से वहीं पे सपोर्ट लेके एक रिबाउंड किया है। एक इमीडिएट हर्डल जो है इसका वो है 3620 के आसपास, जहां पे इसका 20 डे मूविंग एवरेज है, और स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी ट्रेड कर रहा है विच इज एट 3690। सो ये तीनों ही पॉइंट्स अगर हम पुट टुगेदर करें तो कहीं ना कहीं स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर है, ऊपरी स्तरों पे रेजिस्टेंस जोन जो है ये काफी पास में है। तो आई विल नॉट बी टू गंगो अबाउट द होल सेटअप। अगर ये 3690 के जो लेवल्स हैं इन्हें क्रॉस करता है, सस्टेन करता है, तब हम फ्रेश लॉन्ग एंट्री के बारे में बात कर सकते हैं। किसी ने अगर निचले स्तरों से लॉन्ग एंट्री रखी है तो मैं कहूंगा 3550 के आसपास के जो लेवल्स हैं, इनफैक्ट 3575 ये जो जोन्स हैं, इसके आसपास आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनाए रखें। स्टॉक में अगर एक अपमूव आता है ट्रेल 3690-3700 तो एक बार के लिए आप प्रॉफिट बुक कर लें। उसके ऊपर अगर स्टॉक जाता है, सस्टेन करता है, देन वी कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन अबाउट एडिंग फ्रेश लॉन्ग पोजिशन। फिलहाल होल्ड करें एक्जिस्टिंग लॉन्ग पोजिशन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। सो होल्ड करने की राय होगी आपके बजाज ऑटो पर, यहाँ पर जिनके पास भी एग्जिस्टिंग पोजीशन है, लेकिन इस